अस्सलामुअलैकुम नमस्ते निशा बेगम कलर जिस किचन में आप सबका स्वागत है व्यूअर। चलिए आपका सामने में जो वाला वीडियो का मांग किए थे वो वाला वीडियो हम लेके आ गए। तो देखिए ऐसे मेरा मटन ग्रेवी आलू देके छोड़ा हुआ है और कुछ हमारा रिश्तेदार है और कुछ मेरा फ्रेंड वगैरह है, तो वो लोग मांग किए जो एक बार वो आलू देके जो मटन बनाते एक बार और बना के दिखाइए। तो बहुत दिन से बोल रहे थे, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा था, तो फिर हम आज लेके आए हैं। बहुत बोले हैं वो लोग, तो वो लोग को इंतजार करवाए हैं बहुत, इसीलिए हम लेके आए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू देके मटन ग्रेवी कैसे बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस हर एक चीज को हमारा फॉलो करते रहिए और आराम से बना के खाइए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई माने जबरदस्ती नहीं है। देखिए ये जो डिश बनता है बहुत ईजी से बन जाता है, आप डरिएगा नहीं, कोई भी चीज करने का पहले डरिएगा नहीं, हिम्मत बांधिए करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ चूल्हा पे हम कढ़ाई बैठा दिए हैं, यहाँ पे हम पहले ले लेंगे 100 ग्राम तेल, सरसों ऑयल। मटन जब भी बनाइएगा मटन मछली सरसों ऑयल ऐड कीजिएगा तो आपका डिश बहुत अच्छा होगा और सेहत के लिए भी सरसों ऑयल बहुत फायदेमंद चीज है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 किलो लिए हैं आलू। आलू देखिए एक आलू को हम इस टाइप का कट कर लिए, बीच से आधा मीडियम साइज का आलू लिए, जो बड़ा साइज रहता है उसमें हम 3 पीस करते हैं। अब देखिए इसको हम तेल में ऐड कर देंगे, नमक हम यहाँ पे 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम बढ़िया से चला लेंगे, फ्लेम हमारा लो था अब हाई कर देंगे, अब हाई फ्लेम में ही हम हर चीज बना लेंगे। तो इसको बढ़िया से मिक्स करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए आलू फ्राई हमारा हो गया, आप देख सकते हैं इसी टाइप का होगा, तकरीबन हम 3 मिनट इसको फ्राई किए हैं हाई फ्लेम में। अब आलू हम सब उतार लेंगे, फ्लेम हम लो कर दिए हैं। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे, यही तेल में हम ऐड करेंगे फिर तेल, तकरीबन हम 500 तेल हम ऐड करेंगे, आप कम बेसी कर सकते हैं, हम 500 नहीं लेंगे, 400 ग्राम तेल हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए 400 ग्राम तेल हमारा हो गया है। अब देखिए इसमें हम ऐड कर देंगे तेज पत्ता, 4 पीस हम तेज पत्ता लिए हैं। अब आप सोचिएगा जो मटन कितना ले रही है, तो देखिए मटन हम 2 किलो मटन यहाँ पे ले रही हैं, इसको हम बढ़िया से वॉश कर लिए हैं और काट लगा लिए हैं, तो 2 किलो मटन हम यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ पे देखिए हम 600 ग्राम मीडियम साइज का प्याज लिए है, साइज में मीडियम साइज है, इसको इस टाइप का हम बारीक महीन महीन काट लिए हैं पतला पतला। अब ये प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे, अब ये प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम 1/4 भाग जायफल लिए हैं टुकड़ा, वो हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे जावित्री लिए हैं 2 टुकड़ा, लौंग लिए हैं 6 से 7 पीस, फिर यहाँ पे चीनी कबाब हम लिए हैं, कबाब चीनी जिसको बोलते हैं गरम मसाला का, वो हम 6 से 7 पीस लिए हैं, हरा इलायची हम लेंगे वो भी हम लेंगे 6 से 7 पीस। यहाँ पे देखिए दालचीनी का टुकड़ा हम लिए छोटा बड़ा मिक्स करके 5 पीस, काला इलायची बड़ा वाला हम लिए हैं 1 पीस, स्टार इलायची, इसको हम मिक्स करते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में हो जाएगा हाई फ्लेम में। तो देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होके आ गया है, हम कोई डीप ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का ही ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज हो गया है, अब देखिए ये जो मटन लिए थे ये मटन हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें 1 चम्मच नमक भर के ऐड कर देंगे। जब भी प्याज में आप मटन का चिकन ऐड कीजिए उसी टाइम फल से मटन में नमक दे के आप फ्राई कीजिए, देखिए आपका मटन चिकन कोई भी
जो एक गुना स्वाद लगता था वो स्वाद उसका डबल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम मिक्स कर लिए हैं, अब इसको हम ढक के पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा। तो देखिए ढक्कन लगा दिए आधा घंटा तक। तो देखिए आधा घंटा हो गया, पूरा पानी इसमें छोड़ के सूख भी गया। तेल हमारा देखिए मटन का ऊपर में आ गया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये चार मीडियम साइज का हमने प्याज लिए थे, इसका हम पेस्ट बना लिए। ये पेस्ट हम इसी में ऐड कर देंगे। अब देखिए ये प्याज को हम इसी में चला देंगे। देखिए आधा घंटा जो हम इसको ढक के पकाए थे, तकरीबन दो से तीन बार हम बीच में इसको चला लिए थे मटन को, आज भी दो से तीन बार चला लीजिएगा, नहीं तो आपका नीचे का वो मटन और प्याज दोनों जल जाएगा। तो देखिए प्याज को हम चला लिए, हमको कोई डीप फ्राई नहीं करना है प्याज को। अब देखिए इसमें लहसुन का पेस्ट हम इतना ही उठाएंगे, तीन चम्मच का बराबर, ये चम्मच में तीन चम्मच। तो हम अपना अंदाज से दिए हैं, आप तीन चम्मच दीजिएगा। दो किलो मटन में तीन चम्मच लहसुन का पेस्ट दीजिएगा प्याज फ्राई करते वक्त। तो देखिए इसको हम चला लिए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, दो चम्मच का लगभग हम लहसुन का पेस्ट लेंगे। यहाँ पे देखिए शाही बिरयानी मसाला हम एक चम्मच का बराबर लिए हैं, एक चम्मच का बराबर जीरा पाउडर लेंगे। ये घर का बनाया हुआ भुना हुआ, आप चाहे तो बाजार का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेढ़ चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, हाफ चम्मच हम गोल मरीच पाउडर ऐड करेंगे, डेढ़ चम्मच हम देखिए चम्मच का हिसाब से आप देख सकते हैं, हम पूरा ओवर फ्लो करके लिए हैं तो ये डेढ़ चम्मच आएगा। डेढ़ चम्मच हम लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर भुना हुआ, आप अपना स्वाद अनुसार दीजिएगा, कम बेसी आधा चम्मच, एक चम्मच, डेढ़ चम्मच। दो किलो मटन में आपको जितना झाल पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। अब देखिए इस सारा मसाला को हम बढ़िया से चला लेंगे, लहसुन का स्वाद, प्याज का स्वाद, मटन का स्वाद बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए दो चम्मच हम अदरक का पेस्ट लेंगे और इसको भी देके हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, लेकिन उसका पहले हम क्या करेंगे, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हम पौने एक चम्मच सोचे जो हाफ चम्मच, हाफ चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे। और ये सारा चीज को हम मिक्स करेंगे बढ़िया से और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन दो से तीन मिनट। तो देखिए तीन मिनट हो गया है मसाला को फ्राई करते हुए। अब इसमें हम तकरीबन हाफ कप का इतना पानी ऐड करेंगे और इसको भी हम मसाला का साथ बढ़िया से चलाएंगे। अब इसमें हम हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे और मसाला का साथ बढ़िया से मिक्स करके इसको हम फ्राई करेंगे। जो पानी जो हम ऐड किए हैं वो जब तक सूखे नहीं, मसाला हमारा एकदम थोड़ा गाढ़ा भुना हुआ टाइप का नहीं है, तब तक हम इसको इसी टाइप का चलाते रहेंगे। मसाला देते वक्त एकदम छोड़िएगा नहीं, ना ज़्यादा इसको इस टाइप का चलाते रहिएगा। अगर कहीं पर लग गया है तो इसको छुड़ा लीजिएगा, नहीं तो फिर मसाला जल जाएगा तो फिर वो भी उसका एक मिनट गंदा सा आएगा। तो देखिए मसाला हमारा गाढ़ा होके आ गया है। अब इसमें हम तकरीबन पानी ऐड करेंगे दो लीटर का लगभग, हम दो लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे। अब हम फाइनल नमक इसमें ऐड करेंगे, पानी, आलू हमारा जो बचा हुआ उसका लेवल से। ऐसे तो हम पहले डेढ़ चम्मच नमक ऐड कर चुके हैं, अभी और हाफ चम्मच नमक हम ऐड करेंगे। अब इसको हम बढ़िया से चला लेंगे। तो देखिए बढ़िया से हम इसको चला लिए हैं। अब देखिए इसको हम ढक्कन लगा के पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा।
तो देखिए आधा घंटा हो गया है, अब ढक्कन खोल लेंगे, फिर से हम एक बार चला लेंगे। फ्लेम हम लो कर दिए हैं, अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। और ये आलू ऐड करके हम फुल आंच में इसको बैठाएंगे, फुल फ्लेम में। फिर हम इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए, ये हम 20 से 25 मिनट रखने वाले थे, पर इसको हम आधा घंटा रख दिए, 5 मिनट हम और बढ़ा दिए हैं। क्योंकि हमारा घर में लाइन चला गया है, हमारा छोटा बेटा चार्जर लाइट जला के दिखा रही है, तो हम चला रही हैं। किचन पूरा अंधेरा है मेरा। ये देखिए, ये मटन भी हमारा बन के रेडी हो गया है, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब देखिए निकल के आपको दिखा रही हैं। अब अगर थोड़ा गरम मसाला का पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन के आया है, जैसे हम दिखाए थे उससे भी बेटर बन के आया है। आलू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मटन कितना सुंदर लग रहा है, आलू कितना सुंदर लग रहा है। इसी टाइप का आप बना के खाइए, हम निकल के आपको सजा के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए मटन ग्रेवी हमारा बन के आलू देखिए रेडी हो गया है। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज आपको पूछना है तो हमको कमेंट बॉक्स में जना दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में। हमको आपका मैसेज मिलते ही हम वो चीज जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। हमारा तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।